आरसी और सीए कैसे दोनों मिलकर डेडली कॉम्बिनेशन बनेगा और इसकी क्या क्या कमियां और हमें एनपीआर को लेके क्या क्या इस गवर्नमेंट के साथ करना है, क्योंकि गवर्नमेंट किस तरीके से हमें भेदभाव के आधार पर बांट रही है। अचानक से मुझे तीन पुलिस वाली आती है और उठाकर पीसीआर वैन में मुझे धकेल दिया जाता है। 59 जो एफआईआर है उसका जो बेसिक मतलब जो क्रक्स अगर देखें तो वो एक नाम दिया गया कि लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी दंगों की। जो मेरे ऊपर एलिगेशंस लगे हैं ना तो ये प्रोसिक्यूशन मीटिंग ऑफ माइंड्स प्रूव कर पाया, मतलब पूरे तरीके से प्रोसिक्यूशन फेल हुआ। ठीक 2 साल पहले मैं स्पेशल सेल में 15 दिन के पीसी रिमांड पर थी। मेरा ये मानना है कि चाहे वो कोई भी हो, अगर वो कसूरवार है तो उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए और अगर वो बेकसूर है तो उसको समय रहते हुए उसको रिलीफ मिलना चाहिए। मैं अपने घर पर सो रही थी और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे बुखार था। मुझे कॉल आती है कि प्रोटेस्ट खुरेजी प्रोटेस्ट को तोड़ने के लिए पुलिस आ चुकी है और कई लोग यहाँ पर मतलब हैं, आप आ जाइए। और पुलिस जो है बहुत बड़ी तादाद में है, वो प्रोटेस्ट को ख़त्म करना चाह रही है। और मैं अपनी गाड़ी उठाकर एकदम से वहाँ पहुँचती हूँ अकेले बिल्कुल। वो वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा मीडिया ने चलाई हैं। जब मैं वहाँ पहुँची तो एक इंसान तो इंसान वहाँ परिंदा भी कह लीजिए कि पुलिस के डर से खौफ से वहाँ नहीं था। मैंने जाकर वहाँ पर बात किया कि प्रोटेस्ट आप लोग क्यों ख़त्म करना चाहते हैं, इसे क्यों तोड़ रहे हैं, हम तो बड़ा पीसफुल मतलब यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था। तो अचानक से मुझे तीन पुलिस वाली आती हैं और उठाकर पीसीआर वैन में मुझे धकेल दिया जाता है बुरी तरीके से और मुझे बराबर में ही जगतपुरी थाना है वहाँ पर ले जाकर डिटेन। मुझे लगा कि शायद ये एक डिटेंशन है, लेकिन थोड़ी घंटों के बाद 3-3.5 घंटे के बाद मुझे बताया जाता है कि आप मेडिकल के लिए चलिए, आपको अरेस्ट कर लिया गया। तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि मेरा आना या प्रोटेस्ट रोकना कि भाई ये नहीं टूटना चाहिए, मतलब जो लोग ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनको करने दिया जाना चाहिए। तो एकदम से अरेस्टिंग डाल लेना बिना किसी कसूर के, बिना कुछ बात हुए, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। फिर मेरे घर पे हालांकि बाद में इन्फॉर्म किया गया, मेरा मेडिकल हुआ 1:30 बजे के करीब तकरीबन मैं वहाँ पहुँची थी। जो बाद में मेरे 44/20 जिसमें मेरी अरेस्टिंग हुई थी उसके कोर्ट ऑर्डर में भी यही आया है कि दंगों का जो एक मेरे ऊपर एलिगेशन लगा था, झूठा एलिगेशन, दंगे दिखाए गए उससे बहुत पहले और मेरी लोकेशन उस वक्त घर की आ रही थी और उसी वजह से मुझे बेल मिली थी। और मैं आपको बता देना चाहूँगी कि कोर्ट ऑर्डर में भी जो मुझे जब ज़मानत मिली थी उसमें कैटेगोरिकली ये लिखा गया है कि ये एक डिबेटेबल अभी रहेगा कि इशरत पे मतलब ये केस बनता है या नहीं बनता है। मेरी लोकेशन वहाँ की नहीं है, वहाँ का मेरा कोई विजुअल ऐसे निकल के नहीं आया कि मैं किसी के साथ खड़ी हूँ या कुछ है, बिल्कुल बिल्कुल सन्नाटा था। इतनी फोर्स थी वहाँ पर जाते के साथ ही मतलब मेरी अरेस्टिंग डलना, बाद में मुझे किसी से ना मिलने देना, पूरा थाना सील कर देना, एक सन्नाटा बरपा गया था पूरे इलाके में, वो बहुत शॉकिंग था। मुझे ले जाके मेरा मेडिकल कराया गया और उसके बाद मेरी फैमिली और लॉयर से, मेरे ब्रदर से मुझे मिलने दिया गया। फिर मुझे सीधा ये मंडोली जेल मतलब नहीं, उसके बाद मुझे कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, लेकिन कोर्ट में ओपन कोर्ट में प्रोड्यूस ना कर कर मुझे मजिस्ट्रेट साहब के घर पर प्रोड्यूस किया गया सिक्योरिटी रीजंस के तहत कि बाहर बहुत तादाद में लोग खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहना चाहूँगी कि जब मैं मंडोली जेल से बाहर निकली पूरे 25 महीने बाद, क्योंकि पैंडेमिक के चलते मुलाकातें बंद हो गई थी, 1 साल बहुत इलाके से लोग मेरे से मिलने पहुँचे और वो यही कह रहे थे कि मतलब हमें इशरत, हम उस इशरत को जानते हैं जिसने 5 साल हमारी खिदमत करी, हम उस इशरत को जानते हैं जो यहीं पली बड़ी है। तो मेरे पड़ोसी भी इलाके से भी लोग जहाँ से मैं इलेक्शन जीती थी वो लोग मुझे लेने के लिए गए, तो मुझे वहाँ खुशी हुई। तो वहाँ आकर मुझे लगा कि नहीं, मतलब आज भी लोग यकीन करते हैं और उनका ये कहना था कि हम उस इशरत को नहीं जानते जिसको दंगों के नाम पर अंदर भेजा गया, हम उस इशरत को जानते हैं जिसने बचपन यहाँ पर बिताया और हमारी बहुत खिदमत करी है।
देखिए जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की अगर मैं बात करूं तो उसको मैंने चार्जशीट आने के बाद ही पढ़ा है। चार्जशीट में जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के बारे में जिक्र मैंने सुना ना, तो मैं जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी में मतलब कभी उसकी किसी मीटिंग में गई जो प्रोसिक्यूशन ने एलिगेशंस लगाए थे, ना मेरा वहाँ से कोई राबता था, ना मैं उनकी मेंबर थी। तो जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी से एज सच मतलब मेरा, मैं ये कहूँगी कि जो अब प्रोसिक्यूशन जिसमें फेल रहा हो, डिफेंस काउंसिल जो मेरे काउंसिल हैं वो ये कोर्ट को कन्विंस कर पाए, कोर्ट ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी से भी इशरत का किसी भी तरीके से कोई भी कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। हमें 15 घंटे तो मतलब रेगुलर जेल का ये रूटीन होता है कि 24 घंटे में से 15 घंटे बंद रखा जाता है और 9 घंटे खोला जाता है, लेकिन हमें कोरोना के नाम पर 24 के 24 घंटे बंद रखा गया। पिछले रमज़ान की अगर मैं बात करूं तो मैं 15-16 दिन में एक बैरिक में बिल्कुल सील कर दी गई थी, और इतनी पब्लिक इतनी तादाद में, मतलब अपर कैप जो किसी बैरिक में रहने की 22 या 28 होती है, वो अपर लिमिट 40-40 तक पहुंच जाती थी। 25 महीने के अगर मैं अपने सफ़र की बात करूं तो 5.25 फीट की दरी पे मैंने 25 महीने बिताए हैं। मतलब मेरे हाथ पैर जाम हो गए थे। अगर मैं योगा करनी नहीं जानती तो शायद आज मैं जैसे आपके सामने बैठी हूं, मैं आपको ऐसे नहीं मिलती। तो वो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं थी, लेकिन इतना भय इतना डर बनाया हुआ था कि मास्क हमें बोला जाता था कि बैरिक के अंदर भी लगा के रखिए, मतलब पनिशमेंट बांध दी जाएगी अगर आपने मास्क नहीं लगाया। बाहर बैरिक के अंदर तो आप ये देखिए कि कैसी मतलब हिपोक्रेसी है कि आप एक तरफ तो 40 लोगों को एक छोटे से बैरिक में बंद कर रहे हैं जिनकी दरी पे दरी चढ़ी हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, पैर रखने की भी दूसरी दरी के बीच में जगह नहीं होती थी। और ये इसलिए होता था क्योंकि बैरिक के अंदर कैमरा नहीं होते, वहाँ कोई कैमरा कवरेज नहीं होती, CCTV नहीं है। लेकिन जैसे ही आप गैलरी में और आप बाहर आएंगे तो इतना ज़्यादा हाई सर्विलेंस है कि चप्पे चप्पे पे कैमरा है। वहाँ वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग की वहाँ वो बात करते थे कि फेस कवर करिए, क्योंकि उन्हें ये डर था कि ये कवरिंग हो जाएगी। लेकिन अंदर का हाल जो सच्चाई है वो कुछ और है कि बैरिक के अंदर आप रह रहे हैं। देखिए स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मुझे लोगों से अलग भी रखा जाता था, और एडमिनिस्ट्रेशन का एक ये जेस्चर होता था, मतलब जो मुझे नज़र आता था मतलब इम्प्लाइडली कि भाई कुछ चल रहा है, मतलब कुछ हो रहा है, मुझसे लोग क्यों नहीं मिल रहे, मुझसे लोग क्यों नहीं बात कर रहे। और जहाँ तक मैं नमाज़ की बात करूँ तो शुरू में मुझे परेशानी हुई, क्योंकि जगह जैसे मैंने आपको बताई कि 5.25 फीट की दरी मेरे लिए या और भी प्रिजनर्स के लिए होती है, तो नमाज़ की खासा दिक्कत होती थी। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती थी कि मुझे एक कॉर्नर दे दिया जाए, मेरी दरी का जो मेरा बिस्तर हो वो एक कॉर्नर में हो ताकि मैं वहाँ आराम से नमाज़ पढ़ सकूँ। उसके लिए बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ती थी। कई बार मुझे बातों बातों में मुझे ताना दे दिया जाता था मेरे केस का, मेरे रिलीजन का, लेकिन मैं उन चीज़ों को मैंने जब कोर्ट के आगे रखा तो कोर्ट मेरे जो भी ग्रीवेंसेस होते थे, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जुडिशरी की, जो भी हमारे ग्रीवेंसेस होते थे हम हमेशा कोर्ट के आगे रखते थे, और कोर्ट ने मेरा उसमें मतलब बहुत रिड्रेसल किया। DG लेवल पे इंक्वायरी भी बैठी जिसमें मतलब जज साहब ने भी एश्योरेंस दिया कि अगर कोई भी तकलीफ़ होगी तो मैं आप लोगों से मिलने भी आऊँगा अगर आप इसके बाद भी सेटिस्फाई नहीं हैं। देखिए मैं अपने से ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए बहुत फ़िक्रमंद हूँ, मेरी फैमिली बहुत परेशान हुई है। जैसे मैंने कहा कि UAPA इतना आसान केस नहीं है, सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं तो कहूँगी कि ये एक दोधारी तलवार है, और जो हमारे गले में बेवजह बेकसूर लोगों के गले में मतलब डाल दी गई, बेगुनाही के बावजूद डाल दी गई, तो मुझे अपने से ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए ये डर लगता है कि मेरी फैमिली सेफ रहे, और जो मेरी फैमिली ने 25 महीने मेरी वजह से सफ़र किया है वो आगे ऐसा कुछ ना देखें।
देखिए मुझे तो मतलब ये बड़ा आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और इसका मैं जवाब थोड़ा डिटेल में देना चाहूँगी कि 59 जो FIR है उसका जो बेसिक मतलब जो क्रक्स अगर देखें तो वो एक नाम दिया गया कि लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी दंगों की, और कॉन्स्पिरेसी के लिए मीटिंग ऑफ माइंड्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पर एलिगेशंस लगे, FIR कटी, हालांकि मेरी नामजद FIR नहीं थी, लेकिन मुझे फिर भी बेगुनाह बेकसूर होने के बाद मुझे यही नहीं पता था कि मुझे उठाया क्यों गया और यहाँ 15 दिन के रिमांड पे क्यों लाया गया है। और लार्जर कॉन्स्पिरेसी जो वर्ड एक मतलब हमेशा पूरे इस्तेमाल किया जा रहा है, एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, तो कॉन्स्पिरेसी के लिए मीटिंग ऑफ माइंड्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे बड़ा हंसी भी आती है और आपसे मैं शेयर करना चाहूँगी कि जब मेरी अरेस्टिंग डली तो वो फरवरी का महीना था, और पूरे एक साल के बाद फरवरी में ही, क्योंकि लॉकडाउन के चलते हमें कोर्ट में पेश नहीं किया गया और फिज़िकल हियरिंग्स हम लोगों की नहीं हुई, तो एक साल के बाद जब हम लोग सब जितने इस 59 FIR में थे, हमें सबको कोर्ट में बड़ी हाई सिक्योरिटी में पेश किया गया, बहुत मतलब हमारे घर वालों को भी हमसे बिल्कुल दूर कर दिया गया, हम उन्हें देख भी नहीं पा रहे थे, बात करनी तो दूर की बात है, तो वहाँ पर कुछ मेरे जो को-अक्यूज्ड थे उन्होंने मुझसे सलाम दुआ की, नमस्ते की, और वो अपना इंट्रोडक्शन मुझे दे रहे थे कि इशरत जी मैं फला हूँ। तो मैं तो उन्हें ये भी नहीं जानती थी, एक साल बाद मैं उनको फिज़िकली मतलब उनसे रूबरू हो रही हूँ, मुझे ये भी नहीं पता था कि देखिए कॉन्स्पिरेसी के नाम पे आप हमें उठा रहे हैं और हम एक साल बाद अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। और उस पूरे एक साल के दौरान हमारी वर्चुअल हियरिंग्स होती थी कोर्ट की, तो वहाँ स्क्रीन पर हमें छोटे छोटे विंडोज़ में दिखता था कि ये फला है, ये फला है, ये फला है, ये है, इनका नाम ये है, और इन्हें भी उठा लिया गया मेरी तरह, और इन्हें भी उठा लिया गया, और ये भी अरेस्ट है। तो वहाँ से मतलब मुझे पता लगा था कि ये हैं, ये हैं, वो भी जब जज साहब या उनके वकील उनकी दलीलें पेश करते थे या जज साहब उनका नाम लेते थे, तो पता लगता है कि मेरे जैसे और लोगों को इस FIR में उठाया गया, और 21 लोग हम टोटल अभी तक थे अंदर। जिस जगह पे खुरेजी में प्रोटेस्ट चल रहा था, जहाँ पर मैं जाती थी कभी मिलने के लिए लोगों से, जहाँ पर मैं प्रोटेस्ट में कई बार आते जाते मैं उसका हिस्सा रहती थी, मैंने कभी इस चीज़ को डिनाई नहीं करा, लेकिन ना तो वहाँ पर कोई दंगे हुए, और मुझे नॉर्थ ईस्ट के दंगों से जिस बेल्ट पे दंगे हुए हैं मुझे वहाँ से उठाकर कनेक्ट कर दिया गया। और आप देखिए कि उसका खुरेजी प्रोटेस्ट का और नॉर्थ ईस्ट के दंगों का फासला कम से कम 12 से 15 किलोमीटर दूर है। एक लड़की जो किसी भी एक प्रोटेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में इतने दंगे चल रहे थे, उनमें से किसी भी एक प्रोटेस्ट में नहीं जा रही, उसकी कोई लोकेशन नहीं है, उसकी उन लोगों के ऑर्गेनाइज़र से किसी भी तरीके से कोई बातचीत नहीं है, फ़ोन कॉल नहीं है, जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं उस पर मैं कहीं नहीं हूँ, उनका मैं कोई एडमिन तो एडमिन मैं उनकी मेंबर भी नहीं हूँ। बस एक बार एक किसी ने मुझे मैसेज किया, मेरे को अक्यूज्ड ने, जो बाद में मुझे पता लगता है, वो मुझसे कह रहे हैं कि आप हमारे प्रोटेस्ट में आइए, तो मैं उनको ये पूछ रही हूँ कि आप कौन, तो आप कौन पे ही आप देख लीजिए कि मैं उन्हें कितना जानती हूँ। तो ये जो 17,000 पन्नों की इतनी बल्कि चार्जशीट है जो संदूकों में ला के भरी गई थी और कोर्ट में बड़े मीडिया में मतलब पूरा उसे छापा गया था, तो एक प्रोपेगेंडा था। देखिए मैं कहना चाहूँगी कि जो दंगे हुए बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक थे और जो नहीं होने चाहिए थे, और 755 तकरीबन FIR हुई। मेरा ये मानना है कि चाहे वो कोई भी हो, अगर वो कसूरवार है तो उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, और अगर वो बेकसूर है तो उसको समय रहते हुए उसको रिलीफ मिलना चाहिए। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मुझे इंसाफ तो मिला लेकिन 25 महीने लग गए। याकूत, जब मुझे 10 दिन की इंटरिम ज़मानत मिली तो यकीन जानिए मेरे घर वालों ने मुझे ये भी नहीं बताया था कि मेरी इंटरिम ज़मानत लग चुकी है। एक 5 मिनट की कॉलिंग सिस्टम होती है, मैं रोज़ 5 मिनट घर पे बात कर सकती थी, तो मैं कॉल किया तो मेरे ब्रदर ने मुझे बताया कि तुम्हारी मुबारक हो और इंटरिम ज़मानत हो गई। हालांकि मेरी शादी ईद के बाद होनी तय थी पहले से, लेकिन मेरी अरेस्टिंग की वजह से वो सब रुक गया था। फिर उन्होंने बताया कि शादी की ग्राउंड पर तुम्हें ज़मानत मिली है। और एक
बात और है जो मैं कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे 10 दिन नहीं बताया था, उन्होंने मुझे महीना भर बताया था कि महीने भर की है। उन्हें ये था कि ये परेशान हो जाएगी, कि सिर्फ मुझे मायूस हो जाएगी कि सिर्फ 10 दिन के लिए, और वो भी शादी से सिर्फ एक दिन पहले मेरा बाहर आना कोर्ट ने मुझे इजाज़त दी थी। तो लेकिन अगले दिन जब अखबारों में और वहाँ के स्टाफ ने मुझे बताया कि इशरत तुम्हें 10 दिन की ज़मानत मिली है, टीवी में बहुत ज़्यादा चल रहा है, तब मैंने अपने भाई से नेक्स्ट डे सिर्फ 5 मिनट इसी बात में गवा दिए लड़ाई करके कि आपने सिर्फ ली भी तो 10 दिन की ली। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी थी और मेरे लिए बहुत अनबिलीवेबल मोमेंट था कि मुझे अभी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई और कोर्ट ने मेरे ऊपर यकीन किया और मुझे ज़मानत दी है। कुछ कंडीशंस थी जिनको मैंने पूरे तरीके से बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया। याकूद, ये बहुत पेनफुल सवाल मेरे लिए है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज मेरे फादर की डेथ एनिवर्सरी है, आज मेरे अब्बू को गुजरे हुए पूरे 14 साल हो गए हैं, और ठीक 2 साल पहले मैं स्पेशल सेल में 15 दिन के पीसी रिमांड पर थी। इसलिए मुझे बहुत अच्छे से याद है कि आज का दिन मेरे लिए मतलब एक मेरी फैमिली का गम, आज के दिन हम लोग कुरान खानी करके बच्चों को खाना खिलाकर और इबादत करते थे, और ठीक 12 साल बाद मैं पीसी रिमांड पर बैठी हुई थी, वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था, बहुत डिफ़िकल्ट। मैं कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बिलीव करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज़ से अछूती रही। डिस्क्रिमिनेशन मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा हुआ। मैं हेड स्काफ अक्सर मैं जेल में मैं कवर करके रहती थी, तो सर्चिंग के नाम पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था। अगर मेरे बराबर में कोई एक आम इनमेट खड़ी है, उसने सर कवर किया हुआ है, दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, तो उसको एक मामूली सा करके उसको भेज दिया जाता था, लेकिन मेरी सर्चिंग के नाम पे हेड स्काफ हटाकर कई बार, एक बार नहीं कई बार, अनेकों बार ऐसा हुआ है कि मेरी चोटी तक खुलवा दी जाती थी, और मैं जब मास्क लगाती थी तो मास्क अनवील करवा के मेरा मुँह खुलवा के देखा जाता था। तो वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा लेट डाउन करने की कोशिश की जाती थी। तो ये बातें भी मैंने रखी और लिखी भी। मैं डीजी सर को बहुत सारी चीज़ें लिखती थी, मैं अपने कोर्ट को बहुत सारी, जितनी मेरी ग्रीवेंसेस होती थी मैं कोर्ट में अपनी बात रखती थी, और अमूमन मुझे मेरे बात का सुना जाता था, रिड्रेसल होता था कोर्ट में। लेकिन जेल में अगर मैं बात करूं तो माहौल बहुत अलग है, बहुत डिस्क्रिमिनेशन है। आपने मेरे से सवाल किया कि इस केस से पहले और इस केस के बाद की दुनिया क्या है, तो मैं यही आपको बताना चाहूँगी कि मुझे अच्छे बुरे का और अपने पराए का फ़र्क महसूस हुआ है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।